और हम हैं यहाँ होटल में। सुबह लास्ट वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा होटल में, और एक बार अच्छी वापिस से पानी गर्म था, चालू था, तो मस्त नहा लिया आके और फ्रेश व्रेश हो गए। अभी और 7:45 बज गए तो हम, और हमारी आज की जर्नी है वो है द्वारका टू अहमदाबाद। तो यहाँ से हम जाएंगे सीधा अहमदाबाद, तो ठीक वो ये नाम क्या था, ये मटकी सर्कल, तो मीराबाग करके है, तो मीराबाग हमारा बोर्डिंग पॉइंट है, तो वहां पर जाना है। तो फटाफट से निकलते हैं और टाइम नहीं गवाते, और आज की ये वाली जर्नी थोड़ी नहीं होगा, ये वाली होगी प्राइवेट बस की जर्नी। तो कौन सी ट्रेवल्स है, क्या है, वो मैं आपको दिखाता हूँ मीरा गार्डन जाके। तो फटाफट से मिलते हैं सीधा मीरा गार्डन और निकलते हैं फटाफट से, और तैयार हो जाइए। लाइट हाउस चल रहा है, मैं पहली बार लाइट हाउस में ट्रैवल करने वाला हूँ गुजरात ट्रैवल्स में, और फिलहाल अभी मैं खड़ा हूँ ये मीरा गार्डन बोर्डिंग पॉइंट उनका फर्स्ट स्टॉप है। तो अभी फिलहाल थोड़ी देर में बस आएगी, अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 15 मिनट बाकी है, 15 मिनट के बाद बस है, और फटाफट से निकलते हैं और दिखाता हूँ बस आती है तो कैसा है सर्विस वगैरह और कैसी दिखती है बस, क्योंकि गुजरात ट्रैवल्स में मेरा फर्स्ट टाइम है और मैंने कभी ट्रैवल्स प्राइवेट में ज़्यादातर व्लॉग नहीं बनाए, तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है ट्रैवल व्लॉग जो प्राइवेट ट्रैवल्स में होगा। ये देखो द्वारका देश, सारी बस यहीं से आती है और यहीं है ये बॉडी पॉइंट। ये है मीरा गार्डन यानी कि मीरा सर्कल, और वो है मटकी सर्कल, जो आगे वाला सर्कल था वो है मटकी, और इसके बाद ये है मीरा गार्डन, और ये सर्कल है बीच में। और अभी फिलहाल हमारी बस आ चुकी है और हम एक साथ यहाँ पे 3-3 बस, ये है हमारी बस जो बाजू में भी लगी हुई है और एक वहाँ पे भी चालू है, तो तीनों बस एक साथ है गुजरात ट्रैवल सारी की सारी। तो ये है गुजरात ट्रैवल्स और आज हम सफर करने वाले हैं इसमें फर्स्ट कस्टमर गुजरात ट्रैवल्स। चलो फटाफट से अंदर चलते हैं। ये है ड्राइविंग केबिन, भारत बेंच की बस, तो फाइनली मैं बस में बैठ चुका हूँ और मेरा केबिन फर्स्ट आगे ही है, और कुछ इस तरह से यहाँ पे दो लैंप किए हुए हैं वाइट, और इसमें उजाला ज़्यादा रहता है, तो ये वाला प्लीज टाइप थोड़ा कम, और ये है एसी वैन, और यहाँ दो दो चार्जिंग प्लग दिए हुए हैं ये मोबाइल रखने के लिए, और मोटर होल्डर वहाँ पे आगे, मेरा बैग इधर रख दिया, जैकेट वैकेट निकाल दिया है मैंने, और तो हमारी बस भी द्वारका से निकल चुकी है, हमारी सफ़र की शुरुआत तो हो चुकी है, निकल चुकी है हमारी बस द्वारका से। वैसे कंफर्ट जोन तो अच्छा है, पीछे आम रेस्ट दिया हुआ है और कंबल भी मिला है। जय द्वारका देश। तो हमें मिला है ये गुजरात ट्रैवल्स की ओर से कुछ नाश्ता, क्या है पता नहीं, खोल के देखना दोस्त बेटा, ये रहा नाश्ता लेके बैठा है, इसका भी नाश्ता मिला है, एक बंदा उसको भी मिला, तो लोगों को नाश्ता नहीं मिला था, ये फर्स्ट टाइम मेरा नाश्ता मिला है मुझे, तो थोड़ा थोड़ी खुशी हो रही है अंदर से, देखते क्या है। और मसाला वेफर, एक आलू सेव, एक चॉकलेट
एक फ्रूटी, एक गुड्डे बिस्किट, इतना नाश्ता भी मेरे को तो बहुत अच्छा लगा कि इतना देते हैं। दो घंटे के चलने के बाद ये हमारा होटल भारत पे स्टे है और ये हमारी दोनों बस साथ में लगी हुई है, ये वाली दोनों, जो तीसरी वाली पता नहीं कहाँ गई और यहाँ खड़ी है, बाकी दूसरी और खड़ी है सारी, ये आरटीसी की है, ये भावनगर, और तीसरी वाली ये रही। पर हमारा दोस्त हमारे लिए पफ लेके आया है तो मैं एक चीज और ऐड की है, हाइड एंड सीक बिस्किट गालने करवा लीजिए, जा रही थी इसमें करना था फोर वाली।
तो अभी हमारी गाड़ी चोटीला से निकली है, चोटीला के जस्ट पहले खड़ी खड़ी रही थी, और ये है चोटीला, ये सीधी रुकेगी अभी अहमदाबाद। और मेरा बीच में होटल पे गाड़ी खड़ी थी, वहाँ पे वॉइस ओवर नहीं आया था, तो वॉइस ओवर बंद हो गया था माइक, 6 घंटे हो गए थे तो ऑफ हो गया था, तो चेंज करना रह गया था। तो अभी वापस दूसरा वाला लगाया, तो इसको निकाल के तो रख ही दूँगा सीधा, तो सीधा मिलते हैं अहमदाबाद में सुबह में 5:30 बजे। फाइनली पालड़ी क्रॉस हो चुका है, अब सीधा गीता मंदिर गाड़ी खड़ी रहेगी, सीधा उतर जाएंगे गीता मंदिर बस स्टैंड। बज के 20 मिनट, तो फाइनली गाइस गीता मंदिर पहुंच चुके हैं, और अभी जाएंगे सीधा गांधीनगर, और फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब मत भूलना, और मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।